Bölüm Beyaz Köy. Halifatul Muslimin Ali ibn Abi Talib ke baad musalmanon ne unke bade farzand Hasan ibn Ali se bayat kar li. Muawiya ibn Abu Sufyan hakim Shamat bhi apne aap ko musalmanon ka beraqib khalifa samajhta tha aur Hasan ibn Ali se nazah karne ke liye khada ho gaya. Iraq aur Sham ne ek dusre ke samne safarai kar li. मदाइन जो ईरान के सासानी बादशाहों की हुकूमत का मरकज हुआ करता था और कूफे का हमसाया था, अब मुसलमानों की हुकूमत का मरकज था और खलीफा की हुकूमत का जुस शुमार किया जाता था। ज्यादातर ताजरों और अशराफ अरब ने मदाइन के शहरों में सुकूनत इख्तियार करके एक दोरुखी आबादी तश्कील दे दी थी। अरब और अजम मदाइन सन 41 हिजरी। Elhamdülillah. तुम्हारी गंदम की फसलों का एक एक खुशा बिल्कुल उन लड़कियों की मानन है जो शादी के लिए आमादा हूं। देखो कैसे झूम झूम के नगमा सराय कर रही हैं। मान गए तुम्हारे हाथ को, तुमने सोने को इसके मुकाबले में हकीर कर दिया है। पानी हलाल, जमीन हलाल, दाना हलाल, मालिक सखी, रैयत राजी और खुदा गाजी, फिर क्यों ना सोना होगा मुख्तार? तो फिर जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि उम्र वास और इसके शामी टिड्डे ज्यादा दूर नहीं है। हैं है कि यह हीरे मोती शयातीन का लुकमा बन जाए। बिस्मिल्लाह, खुशा चुनने वाले सब मुंतजर हैं। ज़रात की दराती तुम खुद थामो। खुदा या उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। खुदाया तेरी नेमतों के शुक्राने और उन दानों की हुरमत की कसम जो तूने पैदा किए, एक मुट्ठी परिंदों के लिए, एक मुट्ठी चरिंदों के लिए, एक मुट्ठी रिंगने वालों के लिए, एक मुट्ठी जानवरों के लिए। बुलंदी और इकबाल की नियत से हासिदों, कीनातोजों, बदनियतों की निगाह से बचने के लिए बुरी निगाहें अंधी हो जाएं, एक बेखार और खशरात की हिफाजत के लिए इस वादे के साथ कि एक पाक रोटी बने, नमक और रोटी के हक के वास्ते, खुब्स और ज़कात के हक के वास्ते, जो हकुल नास है मुस्तहिक और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए, इन सब खुशियों में बरकत फरमा। बारगा बोले मोहम्मद के अली, जाहे मेरी जाने हैदर
پہ محمد پہ پڑھو سب صلوات شور مت کرو مت چلاؤ یہ بھی پھنس جائے گا جلدی کرو ابو صاحب یہ دھوم کٹا زیادہ نقصان دہ ہے اسے جگہ نہ ملی تو فصلوں کو تباہ کر دے گا ابو صاحب آپ لوگ اس طرف سے اسے بھگائیے تاکہ یہ فصلوں سے باہر نکل جائے خراب کرو گے مر جا مجھے سے ضعیف کو کتنا تھکا دیا اس نے کیسا موٹا سانڈ ہو گیا ہے ہماری محنت کو کھا کھا کے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے یہ دو تیروں سے شکار ہوا ہے اس منوس لاش کے لیے دو تیر بھی کم ہے مختار اس کو تو 100 تیروں سے چھلنی کر دینا چاہیے مگر میں نے تو ایک سے زیادہ دستی تیر نہیں پھینکی تو کیا دوسرا تیر غیب سے آیا ہے درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا مددگار نہیں چاہیے اے کسان کیوں نہیں یہ کوے دیکھ رہے ہو اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو جس شخص نے اپنی زرہ ڈھال خودی اور شمشیر کو بیلچی اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا ناانصافی ہے مختار خوش آمدید اے مرد مجاہد تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے خوش رہو اے ایرانی باوفا تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں میرے سر و جان تم پر نثار آؤ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا یہ حرام بندہ خدا
हराम है मेरे दोस्त। क्यों हराम है? उसी दलील पर जैसे कुत्ते का गोश्त हराम है, अगर इस सुअर की लाश की जगह कुत्ते का लाशा होता तो क्या उसको भी खाने की हवस करते? कुत्ते का गोश्त कहाँ और सुअर कहाँ, इस जानवर ने सिवाय गंदम के कुछ और नहीं खाया। ये तो बिल्कुल दुम्बे की तरह है। इसकी खाल और गोश्त खासियतों से भरपूर है। मसलन कौन सी खासियत? इसकी गर्मा गर्म खाल पैरों के फालिज के लिए जुद असर है। इसका गोश्त भी कमर को मजबूत करता है। तुम वाकई मुसलमान हुए हो या अभी तक दीने मजूस पर हो? क्यों बहस और मुबाहसा कर रहे हो जरबी? उस किसान ने मुझे पागल कर दिया अबू साक। इस मुर्दार सुअर के कबाब खाना चाह रहा है। जितनी भी आयतें हदीसें और दलीलें सुना रहा हूँ उसको कायल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाह वाह, बहादुर कयान के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। खुश आमदीद बहादुर। ना खुश ना हो जरबी, खुदा तुम्हें कुव्वत दे। तुम्हारी उम्र बढ़े। क्या जान, तुम्हें इस शख्स को कुछ समझाओ, सुअर का गोश्त हराम है या हलाल? मेरे भाई, सुअर का गोश्त खासियतों के अलावा एक ऐसा ऐप भी रखता है कि जब खाओगे तो पछताओगे। कैसा ऐप पहलवान? पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, खारिश की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देगी, बेहयाई पैदा कर देगा। क्या वाकई? चाहो तो आजमा लो। नहीं पहलवान, ये बहुत शर्मनाक बात है। कुत्तों को खिला देते। खुदा तुम्हारे बुजुर्गों को बख्शे, मैं तो उससे बहस कर करके थक ही गया था। सुअर का गोश्त खाया जाता तो इन जमीनों से बरकत खत्म हो जाती। जरबी, ऐसा खाना लाओ जो सरदार सिपाही फर्जंद अली के शाये निशान हो। जो हुक्म मेरे सरदार। सबसे पहले बचमाल जात अहमद सलावत, बाद उनके बसरे हैदर सफदर सलावत। बिस्मिल्लाह, गरम कबाब। ये नहीं पूछोगे कि किस जहन्नम से आ रहा हूँ? बगैर पूछे जानता हूँ। उस मैदान जंग से आ रहे हो जिसका जीतने वाला मुआविया इब्ने अबू सुफियान है और हारने वाला हसन इब्ने अली। बस यही? नहीं, तुमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है कियान। कूफा से मदाइन आया हूँ ताकि तुमसे नजदीक तर रहूं। बखुदा कसम, तुम्हारे खाक आलूदा बाल को भी लाखों खुरखुरी मजहब शेखों और दमदमी मिजाज कूफियों से मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने रज़्म लिबास पहना और अज़्म जंग किया तो मैं दरस कर रह गया। तुम्हारा विदा मौत की खबर दे रहा था कियान। तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक दिन में हजार बार तुम्हें दोबारा देखने की तमन्ना की है। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अपने भाई के खूनी और चाक दिल को नहीं देख रहे? ये नहीं पूछोगे कि पैगंबर के बेटे की रकाब में क्या क्या देखा? तुमने जाकर देखा और मैंने न जाकर हर मंजर देखा। नहीं देखा मुख्तार, बखुदा कसम पैगंबर के फर्जंद की उस गुर्बत को तुमने नहीं देखा जब माले गलीमत लूटने के लिए कूफा वाले उनके खेमों पर टूट पड़े और उनके कदमों से जानमाज खींच ली। मैंने उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देखा है जब कूफियों ने अपनी तलवारों के साथ उनके खेमों पर हमला करके उनकी जान लेने का इरादा किया। जितना मैं उन्हें जानता हूं तुम नहीं जानते कियान। मुआविया और उमरवास कूफियों के जहल के ऊंटों पर सवार हैं। उन लोगों ने तो सिफेन में ही बाजी जीत ली। इराक उसी दिन फतह हो गया जिस दिन उमरवास के मुकर फरेब के कुरान नेज़ों पर चढ़ गए। खवारिज में से एक मलून का खंजर कल रात साबात मदाइन में रसूल अल्लाह के बेटे के पांव को काट गया। मुख्तार, अगर मारने वाले का खंजर जहरीला हुआ तो इमाम की जान खतरे में है। या साहिब सब्र, बखुदा कसम मुझे पता था कि इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की ज्यादा से ज्यादा रुसवाई है। इमाम को कूफा देगा या अब तक साबात में ही है? खुद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदाइन के सफेद महल पर आना करार पाया।
उन्होंने फरमाया कि मुझे सईद इब्ने मसूद सकफी के पास पहुंचा दो, कि वो एक पुरअमन जगह है और हमसे खयानत नहीं करेंगे। अरे ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ? लगता है इमाम जख्मी हो गए। ये तो साबात में थे ना? हाँ। ये खलीफा है। क्या ये खलीफा है? हसन इब्ने अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का। वावेला वावेला, दवासा सैयदुल मुर्सलीन की हालत देखो। मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा। इन लोगों का इरादा कितना है? हमने गफलत बरती तो ये रंगने वाले बदायूं में खून की आपाशी करते हैं। क्या वो खलीफा है? जख्मी हो गए हैं। इसका मतलब खवारिज ने अपने मकसद पर अमल कर लिया। माविया शिकार हो गया और उम्र आस बाकी रह गया। तुम किस दुनिया में हो? माविया तो दमिश्क की सब्ज जन्नत में खुदाई कर रहा है। ये जो देख रहे हो कि जख्मी है, ये हसन इब्ने अली हैं। सुना है माविया ने अली के बेटे के सर की कीमत 1000 दिनार शामी और अपनी एक बेटी से शादी का वादा किया है। कसम से, तुम्हारी जान की कसम। कितना महंगा सर है अली के बेटे का। खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए ये लोग? क्या अर्ज करूं, शायद इसलिए कि बदायन पूरा मन है। चाहे कुछ भी हो मगर बदायन के अजम हजार तबीयत के कुफियों से बेहतर है। लो अब इन लोगों ने आजा शुरू कर दी। इस सूरत हाल में शामियों को मदाइन पर हमला करने की जरूरत नहीं। परसों मदाइन के अरब और अजम एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। ऐ सैयद व सरदार जवानान जन्नत, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैंने वो सब सुना है जो आप पर गुजरी है। मैंने सुना है कि आपके दूर और नजदीक के सरदार माविया के सोने के सिक्कों के गुलाम हो गए हैं, उनका चेहरा स्याह हो। सईद इब्ने मसूद सकफी हूं मैं मौला, फरमा रवाए मदाइन। ममनून हूं कि आपने मेजबानी के लायक जाना। मेरी पलकों पे आपकी जगह है मदाइन के सफेद महल को अपने वजूद अक्दस की बरकत से मनवर कीजिए। इमाम का बहुत खून बह गया है अमीर। हमें लगता है कि मारने वाले लईन का खंजर जहरीला था। हमें एक बड़े तबीब की फौरी जरूरत है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए कोई चारा कीजिए। तबीब और बिस्तर दोनों हाजिर हैं सरदार, मेरे साथ आइए।
क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान? ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरे हाथ भी कांप जाए। मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाउन मारने वाले की जगह देखा। आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरहक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार, मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। यह मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक। तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को ना झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजजे की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजजे की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने के अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को जायल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए, मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं बनिस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिन्हा के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। टूटे हुए दांत, कहां है मुर्तजा का शिकस्ता सर, कहां है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गरिया करो, गरीबा चाक करो,
खून आंखों से बरसाओ। कितने दांत सैयद औलादे आदम ने उठाए। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे। जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक के उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम ना किया। इस तमाखार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीस नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब व अजम की लड़ाइयों से और उमवी व अलवी फितनों से मदायन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सके। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया वो मदायन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमारवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं, आप बताइए कि हम क्या करें। इस्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा Yeah!
बताती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो और ऋषि पर हाथ मारियो तो हामला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बुरी हो गई अब भी है नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान, हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुराशुभ है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा आजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई, एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबेद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जब ही तो उम्रे साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस खानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितना गर खाला। आओ, हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर, सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी। हनाना, तुमने काता भी सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली, बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई, ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल आरई से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लकमा बना देगा।
कागज खुदा पर जुड़े हुए हैं। है तबीब मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाए हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार, परेशान ना हो। ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ो और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर, शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है, वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी जबान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मौविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दीनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल माविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बचाने भो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छोटे खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब ख्वार न करे सरदार, तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर, मैं कोशिश करूंगा कि वहम गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा खसब का बुखार है तुम्हें? तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग है अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ, आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अकलमंद हो गया हूँ क्या? इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूँ। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमादावा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए, वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अतात नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है जो कि वही इलाही की पैरवी है।
अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना ही इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी भर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। कि तुम कहां होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। यह भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और जरात में मसरूफ हो गए हो। हाँ। क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हां अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है क्यान, जरबत की काट रान के मग्स और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा खंजर जहीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरे का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्बे माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं? इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हकीकत दरिया आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में, हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान।
इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इकदाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने यह तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है, कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए। अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा ना होता तो मैं सफेद महल ना आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। माविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया, यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है और आज से सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट ना जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। फिकर में हो मेरा फूल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो। इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है। अगर नारिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या? नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालक की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ। क्या वाकई?
तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान। मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े हुजूम। Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil. Hey!